किसको? अनुच्छेद 32 को। और एक और नाम आता है जिसका सीपीएफ के एग्जाम में स्वस्थ क्वेश्चन आया था, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसे कहा है? इसने कहा है भाग तीन। भाग तीन में क्या है? अभी हमने अब हम पढ़ रहे हैं क्या है, मौलिक अधिकार। और भाग चार, भाग चार क्या पढ़ेंगे हम? भाग चार में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसे आप उतार लेंगे, एक जगह पे मैंने कर दिया ताकि आप जब रिवीजन करें तो कंफ्यूजन ना हो। कई बार होता आत्मा के, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई यही है, ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन का मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, सीपीएफ के एग्जाम में पूछा था कि भारत के संविधान को सीमन रहित जाल किसने कहा था, याद कीजिए आप, मैंने बताया था ये सीपीएफ के एग्जाम में था। क्या कहा इन्होंने? पहले ही पेज के अंदर मैंने दे रखा, संविधान को क्या कहा? को सीवन रहित जाल। ठीक है जी, अगला जो बिंदु हमें इसके अंदर करना है वो कौन सा है? वो हमारा बिंदु है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पांच प्रकार के लेख जारी होते हैं। उतार लिया आप लोगों ने? अब मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको समझा दूं कि क्या है। अब जब हम अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, अनुच्छेद 32, इसको कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का प्रावधान, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इंग्लिश में जो बच्चे हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसके अंतर्गत पांच लेख जो हैं जारी होते हैं। और क्वेश्चन अगर हम देखें तो जब मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप पढ़ते हैं कि ये लेख कौन से देश से लिए? ब्रिटेन से, यानी कि जिसे इंग्लैंड भी कह सकते हैं। वहाँ से हमने पांच प्रकार के लेखों को ग्रहण किया है। ये लेख क्या है? ये लेख या इनको रिट्स कहते हैं, इंग्लिश में इनको रिट्स कहते हैं। और इनको लागू कराने का अधिकार किसे है? यानी कि अगर किसी नागरिक के इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इन पांच लेखों के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से निवारण प्राप्त करता है। यूपीएसआई में सवाल आया कि ये जो लेख है ये निवारण किसका कहा जा सकता है या किस आधार पर इनका निवारण प्राप्त होगा? तो यहाँ पर एक शब्द आता है जिसे कहते हैं PIL, कई क्वेश्चन आए थे UPSI के एग्जाम के अंदर, इसको हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो या जानकारी में हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे सकता है, उसी को कहते हैं जनहित याचिका। और इस जनहित याचिका का अधिकार किसके अंतर्गत प्राप्त है भारत के नागरिकों को? लेख के माध्यम से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जनहित याचिका किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 32 में जो लेख है। अब ये पांच लेख कौन कौन से हैं और क्या सवाल आते हैं? पहला लेख जो है इसे कहते हैं बंदी प्रतिक्षिकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस। क्वेश्चन क्या आया है इसका? एक तो ये क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता कौन सा लेख दर्शाता है, यानी कि पर्सनल फ्रीडम। ये बंदी प्रतिक्षेपण का सबसे पहला बिंदु, सारे इंपॉर्टेंट है ये। ये पहला पॉइंट क्या आ गया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन SSC के एग्जाम में सीधे पूछा गया कि कौन सा लेख इसको दर्शाता है। और है क्या ये बंदी प्रतिक्षिकरण जिसको हम कह रहे हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता? इसका मतलब ये है कि न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो गिरफ्तार है या कारावास में है किसी के, उसको वो अपने सामने प्रस्तुत करने का निर्देश देगा।
हैबियस कॉर्पस अंग्रेजी में मतलब है शरीर, कॉर्प्स जो बोलते हैं शव को बोलते हैं, तो इसका मतलब है इसका शरीर मेरे सामने लाया जाए। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय आदेश देगा, चाहे पुलिस हो चाहे अन्य सुरक्षा बल हो, कि उसे मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। इसीलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। और अगर उसे लगता है कि गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो तत्काल न्यायालय आदेश देगा, इसको रिहा किया जाए। दूसरा जो है, दूसरे वाला, ये कहलाता है परमादेश। परमादेश या इसे कहते हैं अंग्रेजी में मैंडमस। कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी या कानूनी अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पा रहा सही रूप में, शिकायत मिलती है तो न्यायालय निर्देश देगा उसे अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करें। तो सरकारी या कानूनी अधिकारी को दिशा निर्देश न्यायालय के द्वारा दिए जाएंगे, उसे कहते हैं परमादेश। किसी निजी कंपनी को कोई निर्देश नहीं हुआ, ये सरकारी कंपनी के लिए है, या फिर कानूनी जिसे संसद के या विधानमंडल के कानून से बनाया गया। तीसरा जो है इसे कहते हैं निषेध, निषेध या प्रोहिबिशन। ये इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि यदि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है, मतलब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इट्स राइट, मान लेते हैं किसी जिला न्यायालय को संवैधानिक प्रश्नों पर सुनवाई की जा रही है, तो ये उसका अधिकार नहीं है। ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ही सुनवाई करेगा, तो ऊपरी अदालत उसे निर्देश देगी कि आप इस सुनवाई को रोक दें। वो जो रोकने का निर्देश है अतिक्रमण करने के कारण, उसी को कहते हैं निषेध। तो ऊपरी अदालत निचली अदालत को ये निर्देश देगी कि ये कार्रवाई रोक दी जाए। और एक आता है इसी के संदर्भ में, इससे जुड़ा हुआ है, जिसे कहा जाता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण या सरसियोरारी कहते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब यह है कि यदि किसी न्यायालय ने या किसी अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्देश या आदेश दिया है, तो उस आदेश को निरस्त करके न्यायालय, ऊपरी न्यायालय या उससे बड़े अधिकारी को निर्देश है। मान लेते हैं कोई निर्णय जो है वो इंस्पेक्टर ही ले सकता है, और किसी थाने का जो दरोगा है वो आदेश जारी कर दे, तो उसके खिलाफ क्या जारी होगा? उत्प्रेषण। कि ये अधिकार चाहे SSP का हो, चाहे DIG का हो, चाहे इंस्पेक्टर का हो, उससे नीचे का जो पदाधिकारी है यदि वो काम करेगा तो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम हुआ। ऐसे ही किसी न्यायालय का हो सकता है। मान ले जिला न्यायालय किसी केस की सुनवाई करके आदेश दे दे, और एक पक्ष जो हार गया वो ऊपरी अदालत में जाकर ये सिद्ध करे कि निचली अदालत ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया, इन्फ्रिंजमेंट किया अपने राइट्स का, तो वो उस आदेश को निरस्त करके दोबारा से सुनवाई का निर्णय लेंगे। तो ये दो जो है न्यायालय से जुड़े हुए, यानी कि ऊपरी अदालत निचली अदालत को इस मामले में निर्देश देगा। और आखिरी जो है वो कहलाता है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा क्या है, इसे क्यू वारंटो कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी के लायक है या नहीं, उस पर जो जांच होती है उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहा जाता है अधिकार परीक्षा। मान लेते हैं कि एक सर्टेन हाइट है, यानी कि मान लिए 6 फीट हाइट दी किसी नौकरी के लिए, और किसी ने जो है भ्रष्टाचार करके 5 फुट 11 इंच का है और वो भर्ती हो जाता है, तो ऐसे में शिकायत मिलने पर उसे ये सिद्ध करना होगा कि वो नौकरी के लिए जो योग्यता है उन पर खरा उतर रहा है, उसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। इसमें जरूरी नहीं पीड़ित व्यक्ति हो, बाकी में तो पीड़ित होगा, इसमें कोई भी याचिका दे सकता है। तो इन 5 लेख के माध्यम से क्या है, कोई भी नागरिक निवारण प्राप्त कर सकता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे आप पढ़ेंगे सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार में सुनवाई का अधिकार है। अगर सूचना के अधिकार के अंतर्गत मेरे को सूचने में कोई शिकायत मिलती है तो मैं जा सकता हूँ सूचना के अधिकार के अंतर्गत, लेकिन अगर मेरी हर तरफ से सुनवाई बंद हो जाए तो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है कि भाई सूचना के अधिकार में जो सूचना मुझे दी गई है मैं चाहता हूं इस पर दोबारा से सुनवाई।